ये देखें आप लोगों के सामने एक मोटर है, ये मेरे पास रिपेयर के लिए आई हुई है। और प्रॉब्लम ये कि पानी जो है इसका बिल्कुल भी नहीं खींच रहा है। आप एम्पेलर देख रहे हैं, इसका एम्पेलर जा चुका है, ये मुकम्मल तरीके से देखें आप, ये कट चुका है एम्पेलर, तो इसका पानी का बिल्कुल प्रेशर नहीं आएगा। तो इसको चेंज करने के लिए जो है मैंने ये एम्पेलर अभी मैं लाया हूँ, अभी इसको मैं इसको चेंज करूँगा, ये एम्पेलर इसमें नया वाला मैं डालूंगा इसको। साथ ही साथ इसमें जो है यहाँ पर ऑयल सील लगती है, सामने इसकी ऑयल सील भी कटी हुई है, तो इसको भी चेंज कर देना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। जैसे जो है नई वाली ऑयल सील देखें, ये इस सूरत में आती है। एक और प्रॉब्लम जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि मोटर देखिए मैं अभी ऑन कर रहा हूँ इसको, देखा आपने कितनी आवाज़ है इसमें। इसका रीज़न ये है कि इसकी बेयरिंग जो है दोनों बेयरिंग कट चुकी हैं। अगर हम इसकी बेयरिंग चेंज करेंगे तो बेयरिंग चेंज करने से जो ओवरहीट हो रही है मोटर वो रुक जाएगी, मोटर जो ओवरहीट होगी गर्म होगी बेयरिंग ख़राब होने की वजह से। तो अगर हम बेयरिंग चेंज करते हैं तो इसकी लाइफ और बढ़ जाएगी वाइंडिंग की, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते, खासतौर पर जो है कस्टमर्स इन बात को नहीं समझते। प्रॉब्लम क्या होता है कि वाइंडिंग अगर इसकी ख़राब होगी तो उसकी उसका जो खर्च है आज के डेट में 1200 के करीब उसका चले जाएगा, लेकिन अगर हम इसकी बेयरिंग चेंज करते हैं तो इसका खर्च जो है 400 के करीब आता है। तो 400 का लॉस ज़्यादा बेहतर है या 1200 का, तो इन बातों को कस्टमर्स नहीं समझते, वो 400 बचाने के चक्कर में बाद में जो है बहुत ज़्यादा अपना लॉस करते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी।